देखने तले ऊपर करना, मैं देखने तले के ना एकदम अच्छे से वहां पे बैठा हुआ था, जैसे मैं ऐसा देखा ना ऐसे सुर 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 करके भाग गया। मैं इसको छोड़ के नीचे कूदा। कौन जो डाल कर गए पता नहीं है, देख आओ कहाँ पे खड़ी है वहां पे। धीरे धीरे और आगे जाते जा रहे खुद ही। वो कौन थे आए थे? वो बुगनाए मामा। अब तो आओ भी गए, आज तो पूरा दिन खाली खाली। क्या खाली खाली, ये अभी कितना काम करवाते हैं पूरा दिन मालूम नहीं, दूसरा काम है उसके लिए भी पूरा दिन लगाएंगे। करे तो ठीक, नहीं तो मैं फटाफट करके हटा दूंगी, पूरा दिन कौन लेके बैठेगा? पक्का कर तू एक्सप्रेस मम्मी के जैसा। अरे चल हो गया। सो अभी डैड और मेरे दादी जो है वो गए हैं दादी के मायके, दादी के मम्मी से मिलने, और अभी वो डायरेक्ट आएंगे शाम में। अभी आज पूरा दिन तो वही जैसे कल के व्लॉग में बताया था, खेत में घूमेंगे, दिखाएंगे आप सबको, खाना पीना लंच विंच होने के बाद करेंगे सब, क्योंकि अभी योगेश्वरी को भी काम है। फिलहाल के लिए अभी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सलाम आदाब सत श्री अकाल, केम शो का सका एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। अभी आज का पूरा दिन तो यहीं पे है, घूमते रहना है खेतों में, तो दिखाते हैं आपको थोड़ा 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 सब कुछ 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 टाइम में। एक ना आ गया देगा ए बराबर कि नहीं बराबर। आज घूमना है खेत में, तुम तो रहने दो। अरे ठीक है, कल नहीं हुआ लेकिन आज तो जाएंगे ना। कल मुंह खुला के सो गया था। नहीं रे, मेरा बॉडी पेन कर रहा था इसलिए मैं सो गया लंच के बाद। बासुंदी मिले नहीं करके सो गया। हाँ कल मेरे को बासुंदी नहीं मिला था, ये बात सही है। खुद खाई दबा के? दबा के गांव भर में बांटने जितना लेकर आए थे ना, इसके लिए मैंने दबा के खाया। आते को छोड़ के कोई नहीं, आज जाएंगे किधर? बासुंदी लेने? नहीं रे, खेत में घूमने। ठीक है, हो जाएगा काम फटाफट। हो जाएगा, अपन लंच के बाद चले जाएंगे। लंच के बाद का प्लान फिक्स। चलो चले। हाँ सोने का काम। अच्छा बेटा, नहीं नहीं ठीक है, जा सो जा जा। फिर कल उठ के मेरे को बोली मेरे को नहीं लेके गया, बहुत मांगूंगा। जब भी मुझे जाना है तभी लेके जाने का, छोड़ के जाओ खुद। तू सुबह से मेरे पीछे पड़ी है जाते जाते करके। सुबह काम जल्दी हो गया था इसीलिए बोली थी। अभी धूप में जाने का है क्या? पहले ही डिसाइड था खाना खाने के बाद जाएंगे, पर धूप बहुत है ना, वहाँ पे पेड़ नहीं है। चल ए बॉडीगार्ड, ए इधर ही बैठ। ए बॉडीगार्ड, बॉडीगार्ड साथ में आएगा, क्या प्रॉब्लम है रे? बॉडी को गार्ड करने के लिए नहीं रखा है, जगह को गार्ड करने के लिए रखा है। इधर ही बैठ। डरती है। ये बहुत, ये बहुत कमी ना, ये काम गिरा। जू 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 आ गया। अब हम लोग एंटर होने वाले हैं आम के बगीचे में। इस साल तो आम खाने ही नहीं मिला यार, क्या बोलती है? पिछले साल भर भर के आम खाया था, आम निकला भी था मुंह पे हाथ पे पेट पे। ये साल आम खाने नसीब में ही नहीं था, क्या बोल सकते हैं। ए बस साथ में घूमते रहता, भटकते रहता बस। तो घर को वो गार्ड करने के लिए रखा है वो, हम लोग घर के रखवाली के लिए लेके आए उसको। घर छोड़ के हमारे पीछे 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 बॉडीगार्ड बन के घूमते रहता है और करता कुछ नहीं, हम लोग के आगे आगे भागते रहता है बस। हम लोगों को पीछे से कुछ करके जाएगा उसको मालूम भी नहीं पड़ेगा। और देखो कैसे भाग रहा है, टुनुक 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 करके भाग रहा है।
दूसरे के खेत में घूम के आ गया, मस्त में टहल के आ गया हम लोग को यहाँ पे छेड़ के। ए ए ए आ गया, इग्नोर कर रहे थे कैसे? आम्हाला इथं सोडून कुठे जाऊन आलास रे? हां दुसऱ्यांच्या रानात फिरून येतेस? निंजा स्टार देखने के बाद है ना मेरे को वो वाला निंजा तोड़ी का कौन सा कुत्ता था, शिशिमानु, उसका याद आता है। देखे 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 देखे। देखो निंजा स्टार, हमारा हमारा डॉग निंजा है। ऐसे निहारने से आम उग नहीं जाएंगे उस पे। तो तेरी ग्रैंडमदर स्टोरी बोल रहा था, बोलना चुपचाप। आम खत्म हो गए, निहारने से आम उग नहीं जाएंगे, बस कभी धूप कभी छाव यही हो रहा है। अरे भाई साहब, ये आम का पेड़ टूट गया। आम का पेड़ तूफान में उखड़ के गिर गया। क्या बात है, बीच में अभी तूफान आया था ना, उस टाइम पे वो उखड़ के गिर गया पूरा। लायक और दिखाने लायक तो कुछ है नहीं फिलहाल अब, क्योंकि अभी अभी जस्ट जो है चाल बोलते ना बीज बोया है सब जगह में, पीछे गन्ने का खेत है। ये तो दिसंबर तक पूरा मतलब 10 10 फुट तक तो पहुंच ही जाता है आराम से, 10 फुट के भी ऊपर पहुंच जाता है। यहाँ पे भी उग जाएगा अभी कुछ टाइम में। आप उन्हें पता है यहीं पे कहीं पे है ना? हाँ यहीं पे शायद से, यही पे है ना सीताफल का बीज डाला था एक्चुअली। एक साल पहले जब हम लोग आए थे ना, तो सीताफल खा खा के ना बीज जमा कर लिया था इतना सारा, और 3 जगह पे हम लोग ने डाला था बीज। एक तो यहाँ पे, एक आगे वहाँ पे कुएं के पास, वो मैं कुछ टाइम में बताऊँ। वहाँ पे आगे यहाँ पे एक्चुअली उगा ही नहीं, पानी नहीं मिला अच्छे से, वो कुएं के पास थोड़ा सा ऐसा पौधा आ गया, और एक घर के पास डाला था वहाँ पे भी नहीं आया है जगह पर, लेकिन वो भी जल्दी हटाएंगे क्योंकि उधर का सब साफ करेंगे ना, कचरा खेत ये करेंगे ना उधर पे, तो वो पूरा हटा देंगे। देखते हैं, बोल के जाते हैं। कल डैड बता रहे थे मेरे को, तो ऐसा कुछ सीन है। कहाँ है यह? आए देख ये, ये सीताफल जो मैं बता रहा था 3 जगह डाला था ना, यहाँ पे डाला था, पौधा उग गया, लेकिन अभी इसका मतलब नहीं है क्योंकि कल डैड बोल रहे थे कि ये जब जगह पूरा साफ करेंगे ना वो लोग, तो साफ कर देंगे वहाँ से, हटा देंगे। कुआ इसके ऊपर से देखने के लिए कुछ नहीं लगता, लेकिन नीचे अंदर जाएंगे ना तैरने के लिए, एकदम डर लगना चालू हो जाता है इसमें। हम लोग जाते थे ना पहले, पानी ऊपर रहेगा ना? नहीं इतने इसमें भी जाते थे हम लोग, इतना नीचे? हाँ। फिर ऊपर आने का कैसे? अरे पहले ये सीढ़ी जो था ना, ये पहले अच्छे से था सीढ़ी, चिड़िया वहाँ पे पूरा नेस्ट बना के रखे हैं। रुको दिखाता हूँ, ये चिड़िया यहाँ पे ना, ये एक्चुअली कुएं के ऊपर बनाते क्योंकि ठंडा रहता है ना माहौल, और कुएं के यहाँ पे पेड़ आजू बाजू में जो रहते हैं वो उनको पानी मिलते रहता है, तो ठंडक रहती है, इसलिए कुएं के यहाँ पे लोग ज्यादा करके बनाते हैं। लेकिन बनाते कैसे हैं मस्त एकदम कुएं में हम लोग, मैं एक्चुअली मेरी मैं तैरने के लिए यहीं पे सीखा हूँ ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि मेरी मॉम ने मुझे रस्सी बांध के अंदर डाला था और ऊपर से रस्सी पकड़ के रखा था ताकि मैं डूबू नहीं, पहले मेरे ऐसे ऐसे करके तैरना सिखाया था मुझे, मेमोरीज है अच्छी खासी। भाई साहब ये तो 200-250 साल पुराना पेड़ ऐसा बोलते हैं, पता नहीं, लेकिन बहुत बड़ा पेड़ है। इसके आम बहुत मस्त रहते हैं, और इसका भी एक मेरा फेवरेट प्लेस है ये पेड़, क्योंकि हाँ, पहले यहाँ पे आया, क्या आया था वो? हाँ वो गिरगिट, गिरगिट नहीं, चमेलियन, चमेलियन, चमेली नहीं बोलते? हाँ चमेलियन बोलते, क्या वो बड़ा लीजर्ड जैसा आया था। एक्चुअली सीन क्या हुआ, ये जो है ना ये जगह, ये चेयर जैसी है, वो टहनी
वो टहनी, ये टहनी और ये टहनी, ऐसा बैठेंगे ना एकदम कुर्सी जैसा बैठ सकते हो उसके ऊपर। मैं यहाँ पे बैठा हुआ था और उसके सामने साइड में, ऑपोजिट साइड में ना ये बैठी हुई थी वहां पे। और ये जो टहनी है ना, ये जाती है सीधा वहां पे, ठीक है? तो ये जो टहनी पे ना एकदम से सट 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 करके भाग गया, और मैं सोया था। पकड़ पकड़ और मैं मस्त, मैं ऐसा लेटा हुआ था मस्त ऊपर। इसने देखा, बोलती हो देख उधर उधर क्या है, वाला क्या है ऐसा। मैं देखने तले ऊपर करना, मैं देखने तले के ना एकदम अच्छे से वहां पे बैठा हुआ था। जैसे मैं ऐसा देखा ना, ऐसे सुर 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 करके भाग गया। मेरे ऊपर से मैं इसको छोड़ के नीचे कूदा, ये वहीं पे, अरे मेरे को उतार करके चिल्लाते हुए बैठी है। उस टाइम पे इतना मजा आया था ना मेरे को, क्योंकि इसको कूदने नहीं आता। और इसका सीन ऐसा है कि यहाँ जो इतना सा जगह है ना, इसमें से ही नीचे कूदना पड़ता है और इसमें से ऊपर जाना पड़ता है। तो उस टाइम पे तो मतलब, और इसके ऊपर आम थे ना एक्चुअली, तो उसके वजह से ना कैसे वो बोलते हैं ना, वो छिपकली टाइप्स जो है ना, बड़े बड़े वो घूमते रहते हैं। और मेन मतलब इसका कैसे, अभी इधर ये टहनियों पे अगर आम लगता है ना, इधर पे थोड़ा आम तोड़ने के लिए टेंशन रहता है। क्यों? क्योंकि इसके जस्ट नीचे जो है कुआ है इधर पे, तो उसके लिए डर लगता है थोड़ा। और एक स्टिक पे ना एक झोला बांध के है ना, वो लोग ऐसा बनाते हैं और फिर उससे तोड़ते हैं। या तो फिर अगर नहीं तोड़ेंगे, आम जब पकता है ना सीधा गिर के पानी में जाता है कुएं के अंदर। और यहाँ से नीचे ऐसा रास्ता गया, और ये रास्ता इतना पतला है, किसी बच्चे को यहाँ से अकेले छोड़ने के लिए भी डर लगता है, क्योंकि इस साइड में कुआं है और इस साइड में पूरा कचरा है। देखो कुआं है यहाँ पे, सीधा कुआं, तो इसके, हाँ ये जब फर्स्ट टाइम आई थी ये भी डर गई थी उस टाइम पे, मेरे को ऐसा टाइट पकड़ के चल रही थी, है ना? अभी 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 क्या, अभी तो आदत हो गई है। कैसा रहा टूर? हम लोग वहां से वो रोड से ऐसा घूमते हुए, ऐसा पूरा गोल घूम के, एक्चुअली इधर से भी आ सकते हैं, लेकिन हम लोग कुएं के वो साइड से ऐसा घूम के इधर से आए। इतना सा ये छोटू सा जो है पूरा नहीं दिखा पाया, क्योंकि बहुत जगह पे ऐसा देखो ऐसा फसल उगा हुआ है, तो अंदर अंदर घुस के नहीं दिखा सकता। जो भी है बाहर बाहर से दिखाया, छोटू सा है, अच्छा है, हर छुट्टी में आके रहने के लिए मज़ा आता है। आता है कि नहीं? हंस रही है, मैं व्लॉग कर रहा हूँ, वहां से हंस रही है बैठ के। छोटू सा ही बोला ना, इसीलिए हंस रही है। हाँ तो छोटू सा है, उतना सा ही बस ना, और क्या चाहिए? मुंबई वालों ने ये भी नहीं देखा होगा, इनके पास खेत वेत नहीं है, तो ये छोटू सा तो है नहीं ना, इसके लिए। तुम लोग फर्स्ट टाइम देखे हैं, तो तुम लोग के लिए थोड़ा ऐसा ये है। अभी हम लोग ऐसा बचपन से आते जाते हैं, यही देख देख के बड़े हुए, और क्या। अगर अच्छा नहीं निकाली होगी ना, तेरे को वापस से फोटो निकालने बोलूंगा मैं। चलो ठीक है, छोटा सा तो खेत है, छोटा सा ही है यार। अरे देखेंगे बोलेंगे इतना हाइप किया, बताएगा बताएगा इतना सा छोटा सा दिखाया, देख बोले बराबर कि नहीं, जो भी देख रहा है और जिसने भी देखा है कमेंट करना बराबर बोला कि नहीं। क्या ये आम, ये पेड़ का है, ये बड़े पेड़ का है, बड़े पेड़ का छोटा आम। मेमोरीज अच्छी है, हम लोग पहले हॉलीडेज में आते थे तो ये पेड़ पे बैठो, वो पेड़ पे चढ़ो। गाइज आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना कि क्या अच्छा लगा, और शेयर करना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर अच्छी नहीं लगी है तो प्लीज़ वो भी कमेंट करना कि क्या अच्छा नहीं लगा, किस में मुझे इम्प्रूव करना है, तो अगली बार से, अगले वीडियो से मैं उस पर काम ज़रूर करूँगा। अभी उतना तो कुछ दिखाया नहीं है मैंने, पीछे भी ये जो है ये पेड़ के पीछे भी हम लोग का ही है पूरा, लेकिन कुछ है नहीं खेत में दिखाने लायक, क्योंकि अभी अभी बीज डाला है कुछ टाइम पहले, तो अभी तक कुछ आया नहीं है। इसलिए मैंने सिर्फ आम का बगीचा दिखाया, गन्ने का खेत दिखाया, कुआ, तो वही दिखाया मैंने ज़्यादा करके, और बाकी तो पूरे खेत में कुछ वैसे है नहीं, इसलिए मैंने उतना कुछ डिटेलिंग में बताया नहीं है। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और इसी के साथ जो है वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ।
खुद का ख्याल रखिए, खुद के फैमिली का ख्याल रखिए, बाहर जाए तो मास्क ज़रूर पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो ज़रूर करना। विद दैट सेड, एज ऑलवेज, नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज, गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, हास्ता ला विस्ता।